हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के एनिमल फिजियोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। हम इसमें ले रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसी श्रृंखला में आज पार्ट सेकंड ले रहे हैं जो कि फूड कंपोनेंट्स में सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। हम जानते हैं कि भोजन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी जो पोषक तत्व हैं उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स तीन लेने हैं। उसमें से पहला कार्बोहाइड्रेट आज हम ले रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम देखें तो ये जो है, अगर संरचनात्मक रूप से हम देखें तो ये पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स या एल्डिहाइड होते हैं, यानी पॉलीहाइड्रॉक्सी। और ये थोड़े से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इसकी संरचना को हम देखते हैं कि कैसे होता है। डाइट्री या खाद्य पदार्थों में अगर हम देखते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्रमुख रूप में, उनकी जो संरचना होती है पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स और एल्डिहाइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अल्कोहल ग्रुप का जो रिमूवल है वो कीटोन ग्रुप से होगा या एल्डिहाइड ग्रुप से होगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, या जिसको हम कह सकते हैं कि 2 से 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाले ऑलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में अगर हम देखें तो मोनोसेक्राइड्स हम इनको इसलिए बोलते हैं कि जब हम वाटर और एसिड से इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इनसे आगे इनका ब्रेकडाउन संभव नहीं है। ये जो शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट की शर्कराएं हैं, इसमें हम इनको यूनिट मानते हैं कि ये एक इकाई होती है। शर्करा जब भी डिवाइड होगी यानी पॉलीसेक्राइड्स जब भी डिवाइड होंगे तो वो कन्वर्ट होते हैं डाई या ऑलिगोसेक्राइड्स, जो कि 2 से 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स तक के होते हैं। और फिर उनका फर्दर जो अपघटन होता है वो मोनोसेक्राइड्स में होता है। मोनोसेक्राइड्स का फर्दर अपघटन संभव नहीं होता है, इसीलिए हम इनको इकाई अथवा यूनिट कहते हैं शर्कराओं की। तो मोनोसेक्राइड्स पे अभी हम बात कर रहे हैं। ये सबसे सिंपल शुगर्स हैं, बहुत ही इनका स्ट्रक्चर जो है सिंपल इसलिए माना गया कि सिंगल कार्बन चेन है। सिंगल कार्बन चेन इनमें पाई जाती है। और दूसरी खासियत क्या होती है इनकी, इनको आगे नॉन हाइड्रोलाइसिस इनका या जल अपघटन संभव नहीं होता है। तीसरा है सॉल्युबल इन वॉटर, जल में घुलनशील होती है ये सभी शर्कराएं, सभी प्रकार की शर्कराएं। टेस्ट में मीठी होती है। और इसके अलावा इनमें अपचायक गुण होते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है। अपचायक होती है, मोनोसेक्राइड्स के खास गुण होते हैं। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो मोनोसेक्राइड्स में या हम ये भी कह सकते हैं कि जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है इसमें वो होता है ट्रायोज।
जो शर्करा होती है वो ग्लिसरल डिहाइड्रेट से कहलाती है। ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड जो है उनका स्ट्रक्चर होता है या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OH, H और फिर CH2OH। ये हमारा सबसे सिंपल ट्रायोस या ग्लिसरल डिहाइड का स्ट्रक्चर है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो तीन है, इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रायोस। तीसरा है, अगला है टेट्रोस, इसको हम इधर लिख देते हैं टेट्रोस। टेट्रोस यानी चार कार्बन जो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन के एटम्स हैं वो इसमें रहेंगे। टेट्रोस जो है, टेट्रोस के हम दो तीन देख सकते हैं, जैसे कि इरिथ्रोस, टेट्रोस एक कॉमन नाम है, टेट्रा मीन्स चार और ओस जो है हम शुगर्स के आगे लगाते हैं, लेकिन इनका एग्जांपल जो है वो इरिथ्रोस है। इरिथ्रोस का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम चार कार्बन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप इसमें लगा हुआ है और OH, OH, H, H और CH2OH, तो ये हमारा इरिथ्रोस है। अब हम आएंगे पेंटोस, पेंटोस का मतलब हुआ पांच कार्बन एटम्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगे। पांच कार्बन एटम्स में एक, दो, तीन, चार और पांच, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप सबसे ऊपर रहेगा। और हाँ, इसका जो एग्जांपल है वो आयोडीनिक एसिड भी इसका एग्जांपल होता है। और इसका जो पेंटोस शुगर इसके अलावा या जिसके राइबोस भी एक प्रकार की पेंटोस है, पांच इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम ज्यादा आपकी इजी समझ के लिए हम इसको राइबोस ही लिखते हैं। राइबोस जो शुगर होती है उसमें पांच मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन की, जैसा कि हमने पहले भी लिखा है, एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच, एच, ये हमारे राइबोस शुगर होगी। तो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस। अब हम आते हैं एक्सोस, हेक्सोस जो शुगर है उसका एग्जांपल अगर हम देखें तो बहुत सारे मिलेंगे हमें, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ये सभी हेक्सोस के एग्जांपल हैं। इसमें छह कार्बन मॉलिक्यूल एटम्स हमें मिलेंगे। तो इसी तरह से जैसे ये स्ट्रक्चर है इसी तरह का हम बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सी एच ओ हो जाएगा, ओ एच, 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 ओ एच, ओ एच, एच। और ये हो जाएगा सी।
ग्लूकोज की संरचना है। तो ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है। और इसमें जो है ग्लूकोज जो है ग्रेप्स ग्रेप शुगर से भी हमें मिलती है। इसके अलावा फ्रूट जूसेस में होती है, हनी में ये पाया जाता है, शहद में, फ्रूट जूसेस में, और ग्रेप शुगर भी ये होती है। गैलेक्टोज जो है वो मिल्क शुगर्स होती है, दूध में ज़्यादातर पाई जाती है। और फ्रुक्टोज जो है ज़्यादातर फ्रूट्स में फ्रुक्टोज शुगर्स पाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो शुगर है हमारी, कौन सी ये जो शुगर्स हैं गैलेक्टोज खास तौर पे, ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा, इसका पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम उसमें काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। फ्रुक्टोज इसके अलावा हनी में भी होता है, हनी में ग्लूकोज भी होता है और हनी में हनी यानी शहद शहद में फ्रुक्टोज भी पाया जाता है। तो ये तो हो गई हमारी, तो इस प्रकार से हमने देखा कि मोनोसेक्राइड्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, और दूसरा इसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स की सिंपल चेन होती है और इनका जो नाम होता है वो उस हिसाब से होता है कि इसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स कितने पाए गए। एक कार्बन मॉलिक्यूल दो कार्बन एटम दो और तीन ट्रायोज में, दूसरा टेट्रोज में चार कार्बन मॉलिक्यूल्स, पेंटोज में पांच कार्बन एटम्स और हेक्सोज में छह कार्बन एटम्स हमें मिलते हैं। ये एल्डिहाइड्स होते हैं मोस्टली, और इनके एग्जांपल्स हमने देखे लिए। ट्रायोज का एग्जांपल है ग्लिसरल्डिहाइड, टेट्रोज का एग्जांपल है एरिथ्रोज, पेंटोज का एग्जांपल है राइबोज और हेक्सोज का एग्जांपल है ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज। तो ये हमारा जो है वो मोनोसेक्राइड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं डाइसेक्राइड्स पर। डाइसेक्राइड्स में दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स पाई जाती है। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे जल और एसिड से, तो हमें इसमें यानी जल अपघटन करने पर हमें दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स हाइड्रोलाइसिस करने पर, इसलिए हम इसको डाइसेक्राइड का नाम देते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि दो डाइसेक्राइड्स यानी दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में जो लिंकेज या बंधन होता है वो होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जब ब्रेक डाउन होगा तो हमें दो प्रकार के मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे। तो इनमें इनका जो कॉमन फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये इनका कॉमन फॉर्मूला पाया जाता है। और नेचर में डाइसेक्राइड्स मोस्टली बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन नेचर में जो फ्री डाइसेक्राइड्स हैं वो केवल तीन ही हैं, वो है सुक्रोज, दूसरा है लैक्टोज और तीसरा है माल्टोज। ये तीन प्रकार के डाइसेक्राइड्स ही नेचर में फ्रीली अवेलेबल है, बाकी सब किसी ना किसी के साथ मिलकर यौगिक या कंपाउंड्स बनाते हैं। सुक्रोज जो है हमारी वो नॉन रिड्यूसिंग या अनअपचायक शर्करा है, ये एक अपवाद है। तो जब भी हम लेबोरेटरी में ग्लूकोज के टेस्ट करते हैं या कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं तो सुक्रोज जो है वो डाइसेक्राइड्स का टेस्ट उसके लिए स्पेशली करना पड़ता है,
तो क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, अनक्षय शर्करा। ये मिलकर बनती है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक से अगर हम इसको लिखते तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। दूसरी जो शर्करा है मिल्क में पाई जाती है लैक्टोज, आप सभी जानते हैं मिल्क शुगर है। मिल्क शुगर जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और तीसरा जो माल्टोज है, माल्टोज जो है वो हमारा जर्मिनेटिंग जो ग्रेन्यूल्स हैं, अंकुरित जो होते हैं अनाज, उनके अंदर ये काफी मात्रा में जर्मिनेटिंग ग्रेन्यूल्स में ये शुगर पाई जाती है और इसको हम माल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज तीन प्रकार की डाइसेक्राइड्स इसमें मिलती हैं। तो ये था हमारा डाइसेक्राइड्स का पार्ट और इसी के साथ ये वाला पार्ट यही खत्म करते हैं क्योंकि आगे हमें पॉलीसेक्राइड्स पढ़ना है। एक विशेष बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम एनिमल फिजियोलॉजी का सेक्शन पढ़ते हैं तो उस समय हमें बायोकेमिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा डिटेल संरचनात्मक इनके फॉर्मूलाज अगर आप नहीं भी देते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भी देते हैं तो एनिमल फिजियोलॉजी में संरचनात्मक या बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट लेने की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट लेने के लिए यानी कार्बोहाइड्रेट वगैरह की संरचना बताने के लिए आपके पास बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन अलग से है। तो अगर आप इसमें संरचनाएं भी साथ में याद कर लेते हैं तो बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन आपका अपने आप तैयार हो जाता है, जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की संरचनाएं आपको फिर से पढ़नी है तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ अगले पार्ट थर्ड में हम पॉलीसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। थैंक यू।